आज लाओत्से से हम लोग सीखेंगे कि कैसे एम्प्टीनेस को भरा जाता है, खालीपन कैसे खूबसूरत हो जाता है। केवल खूबसूरत नहीं, बहुत कुछ हो जाता है। काला अगर किसी को बोल दीजिए तो ख़राब माना जाता है, पूरी सोसाइटी इसको एक तरह से डेरिवेटरी मानती है। लेकिन वहीं पर एक काला आदमी था, अगर कोई उसके नाम से किसी का नाम डाल दे तो हम मानते हैं कि महान है। महान भी नहीं, भगवान बोला जाता था। जानते हैं किसको? कृष्ण को। कृष्ण का मतलब होता है काला। कृष्ण का एक और मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षण। हर चीज़ जिसको हम नेगेटिव मानते हैं या जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं, उसका एक दूसरा रूप भी है। कैसे पता दूसरा रूप है? किसी ने देखा है, और जिसने दूसरा रूप देखा है और पहला रूप जानता है, वही सब कुछ जानता है। हमारी ज़िंदगी में जब कभी खालीपन महसूस होता है, जब कभी हम अपने एक्टिविटीज़ से बोर होकर के फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, जब कभी हम अपने फेलियर से अपने आप को डिजेक्टेड महसूस करते हैं, इसका मतलब यह है कि लाइफ का केवल एक एस्पेक्ट हम देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं, और इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस हो रहा है। आम आदमी की एक बहुत आधी अधूरी और कंफ्यूज्ड टेंडेंसी है जो हर कोई के अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हमारे और आपके डैडी और फ्रेंड्स के अंदर है, सारे पढ़े लिखे और समझदार लोगों के अंदर में भी है, लेकिन केवल सेजेस के अंदर नहीं है, लाओत्से के अंदर नहीं है, कृष्ण के अंदर नहीं है, जो भी एनलाइटन लोग हैं उनके अंदर नहीं, बाकी सब के अंदर है। उसको पहचान करके उसको निकाल कर फेंकना होगा, ठीक ऐसे जैसे हम जुओं को निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि जुए हमारा खून चूसते हैं। वो क्या है, कौन सी टेंडेंसी है? जब किसी भी सामान को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें यूज़फुल हैं, उसको रख लो, जो यूज़लेस है उसको फेंक दो। लाओत्से बोलते हैं ये पूरी तरह से गलत है। क्या गलत है? किसी चीज़ को देखना कि वो चीज़ यूज़फुल है उसको रखो या उसको करो, जो चीज़ यूज़लेस है उसको फेंको, उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। वो एक पहिए का एग्ज़ाम्पल देते हैं, और उस पहिए में एक छेद होता है, और उस छेद के साथ सारा का सारा ढेर सारे स्पोक्स कनेक्टेड होते हैं। आपको क्या लगता है, वो होल किसी काम का है उस पहिए में? अगर उस होल को निकाल दीजिए और स्पोक्स को जोड़ दीजिए तो ऐसे ही, और बीच में कोई खाली जगह ना हो, तो पहिया घूमेगा? पता है ना पहिया कैसे घूमता है? एक बड़ा सा रॉड होता है, उसके होल के अंदर घुसता है, और ये होल में स्पोक्स जुड़े रहते हैं, और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। ये गोल गोल घूमने के लिए यहाँ पर कोई खाली जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? खाली जगह, खाली जगह समझ रहे हैं, एम्प्टीनेस, कोई ऐसी जगह जो यूज़फुल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस कैरेज का, उस साधन का, उस गाड़ी का जो फंक्शनैलिटी आया है, उसके अंदर में जो यूज़ आई है, उसके अंदर में एक ऐसी चीज़ से आया है जो अपने आप में खाली है। अननोन एम्प्टीनेस की वजह से यूज़फुलनेस बढ़ गई। हमारी आँखों को जब कोई चीज़ दिखाई देती है एम्प्टी, खाली, तो हमारा माइंड जो कुछ भी सोचता है उसके बारे में, वो बहुत आधा अधूरा है। हम एक ग्लास को देखते हैं, वो ग्लास खाली है। हम एक आदमी को देखते हैं, हम उसको बोलते हैं वो गरीब है। हम किसी लाइफ को देखते हैं, हमको लगता है वो फकीरी है। लेकिन जो हमारी आँखें समझ पाती हैं, उससे कहीं ज़्यादा है एम्प्टीनेस। एक मटका ले लीजिए, या एक ग्लास ले लीजिए, या एक थाली ले लीजिए, तो ऑब्वियसली उसके अंदर में जो सॉलिड चीज़ है जिसका वो बना हुआ है, मिट्टी का मटका बना है, स्टील का थाली बना है, या ग्लास बना है, तो सामान तो चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर खाली जगह ना हो तो कितना यूज़फुल होगा? किसी भी चीज़ में अगर खाली जगह नहीं है तो बर्तन की तरह किसी काम का नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं उस एम्प्टीनेस का फुलनेस, एम्प्टीनेस की वैल्यू। एक कमरे को ले लीजिए, एक बड़ा सा कमरा है, छोटा कमरा है, आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि दीवारें हैं और अंदर में खाली जगह है। लेकिन अगर खाली जगह ना हो तो उस कमरे में कोई इंसान घुस सकता है क्या? उसमें कोई बैठ सकता है, आराम कर सकता है क्या? तो उस कमरे की वैल्यू किस चीज़ की वजह से? उसके अंदर की खाली जगह की वजह से, एम्प्टी स्पेस की वजह से। किसी भी रूम में दो चीज़ें चाहिए तभी वो रूम किसी काम का है। एक तो उसमें चलने की जगह होनी चाहिए थोड़ा बहुत, और दूसरी एक दीवार में खाली जगह होनी चाहिए, इसको आप दरवाज़ा बोलते हैं या खिड़की बोलते हैं। एक घर बनाइए, एक कमरा बनाइए जिसके चारों तरफ दीवारें हैं, छत भी हैं। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, बस उसमें खिड़कियां मत दीजिए और दरवाजे मत दीजिए, वो किस काम का होगा कमरा? अगर हम ध्यान से देखें तो
तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी बिना एम्प्टीनेस के, बिना खाली जगहों के या खाली चीज़ के जी नहीं सकते हम। तो लाओत्से हमसे कहते हैं कि इस एम्प्टीनेस के ऊपर मेडिटेट करो, उसको अपने अंदर लेकर आओ। हमारे भी विचारों के बीच में एम्प्टीनेस है, लेकिन जिन लोगों के माइंड के थॉट्स के बीच में, जिनके लाइफ के टाइम में, मतलब सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर रात, रात से लेकर अगली सुबह तक, अगर आपके पास खाली जगह नहीं है, खाली समय नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं होंगे। भरते जाइए अपने टाइम को, ढेर सारे अपॉइंटमेंट्स देते जाइए, लोगों से मिलते जाइए, बात करते जाइए, अपने आप को बिज़ी रखिए, गाने सुनिए, फिल्में देखिए, सब कुछ करते जाइए, बस आपको एक चीज़ मत दीजिए, खाली जगह या खाली टाइम या एम्प्टीनेस। कुछ दिनों में आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। लाओत्से कहते हैं सारी दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखता है, उसमें से जो कुछ भी दिखता है वो सब फुलनेस है, लेकिन उस सारी फुलनेस की जो सबसे ताकतवर चीज़ है वो दिखती नहीं है। उसी को लाओत्से ताओ बोलते हैं। हमारे अंदर में भी वो है ताओ, जिसको हम लोग डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हैं, वो छुपी रहती है, वो कभी नहीं दिखती, किसी को भी नहीं दिखेगी, उसको हम केवल परसीव कर सकते हैं हो करके, लेकिन उसके लिए हमको अपनी फुलनेस का, यूजलेसनेस को और एम्प्टीनेस का, यूजफुलनेस को समझना होगा। बड़ी अजीब बात है, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिस किसी भी इंसान से बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, वो सब आता कहाँ से है? एक साइलेंस में से, एक एम्प्टीनेस में से। और फिर भी हम ये मानते हैं कि एम्प्टीनेस मतलब कुछ नहीं, खाली, नपुंसक। तभी तो हम उसके बारे में बहुत सीरियस नहीं होते हैं, तभी तो हम खाली नहीं बैठना चाहते, तभी तो हम चुप नहीं रहना चाहते। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोग मुझसे जब बात करते हैं तो एक सवाल पूछते हैं, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर दूसरा सवाल पूछते हैं उसका भी मैं वही जवाब देता हूँ, फिर वो तीसरा जवाब को सवाल पूछते हैं उसका भी वही जवाब होता है जो पहले दो का था। फिर मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत होकर के मेरी बात को सुनिए। बोलते मतलब? मैं कहता हूँ जब कोई आदमी सवाल पूछता है तो उसका जवाब सुनने के लिए आदमी को थोड़ा सा शांत होना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जैसे खाना जब परोसा जाता है प्लेट टेबल पे खाने के लिए, तो पेट में एक खाली चीज़, खाली जगह चाहिए, भूख बोलते हैं उस खाली जगह को। अगर पेट में भूख ना हो तो कितना भी स्वादिष्ट खाना हो बेकार है। ऐसे ही ज्ञान तो दुनिया में भरा हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? खाली जगह चाहिए। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में उस खजाने को इकट्ठा नहीं कर पाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टीनेस, जिसको हम बोलते हैं साइलेंस, उसके पास सब कुछ रहेगा बट अल्टीमेटली वो भिखारी रहेगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसी चीज़ के लिए बुद्ध ने या लाओत्से ने अपने आप को खाली रखा, किसी भी प्रोफेशन में नहीं डाला उन्होंने, नौकरी नहीं की, क्योंकि उनको अपने आप को इकट्ठा करना था, खाली स्पेस। कृष्णमूर्ति सुबह उठ जाया करते थे, आधे पौन घंटे एक घंटे के लिए अपना योग करते थे, एक्चुअली योगा करते थे, फिर चले जाया करते थे वॉक करने के लिए। जब कभी भी वो वॉक करते थे, उनके साथ कोई होता था और एक शब्द बोल देता था, तो अगले दिन वो मना करते थे, इसको मेरे साथ मत बोलो, उसको चुप कराते थे, ऐसे भी बहुत प्यार से कराते थे, लिसन टू दैट साउंड ऑफ द बर्ड, हवाओं को सुनो। तभी वो उन सारी बातों को समझ पाते थे जो हमारी और आपकी कान और आँख को नहीं दिखाई देता। हम सोचते हैं कि एक ऐसी दीवार हो या एक ऐसा शीशा हो जो पूरी तरह से पेंटेड हो और उससे हम दुनिया को देख लें, नहीं समझ रहे? ओपेक शीशा एम्प्टीनेस होता है। शीशे के आर पार क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो खाली होता है। तो इस दुनिया को अगर देखना है, इस दुनिया के आर पार अगर हमको देखना है, तो अपने अंदर के खालीपन को और गहरा करना होगा। ध्यान से, जहाँ कहीं पर भी आपको खाली जगह दिखाई दी, जब कभी आपको अपनी लाइफ में खालीपन दिखाई दे, तो जान लीजिएगा कि कोई बहुत कीमती चीज़ आपके पास अभी है, बिकॉज वो आपको एक दूसरा एस्पेक्ट भी दिखा सकती है, बशर्ते आप उसको मेडिटेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि जैसे ही कोई खाली चीज़, खालीपन, अकेलापन टाइप की चीज़ आती है, तो हमारा इमोशंस बचकानी हरकतें करते हैं, उसको लगता है कि नहीं नहीं हटाओ इसको, जल्दी से गाना चला लो, जल्दी से पिक्चर देख लो, जल्दी से कोई बुक पढ़ लो, जल्दी से कुछ बोल लो। अगर चुप रह सको तब ट्रांसफ़र हो पाता है। एक बार बुद्ध की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, चुप थे वो, कुछ बोले नहीं, बहुत देर तक चुप चुप चुप, सब लोग बैठे बैठे फिजिटी होना शुरू हो गए, डिस्टर्ब टाइप के हो गए, अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे। तो बोलते हैं मैं तो बोल चुका,
जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। फिर उन्होंने एक छोटा सा फूल उठाया, और फिर जब फूल उठाया तो पीछे एक एक उनके भिक्षु थे, वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोलते देखो मैंने जो बोला उसने सुन लिया, एक इशारा था वो। साइलेंस को कभी बोल के नहीं समझाया सकता। साइलेंस मतलब एक आसमान होता है, उसमें हवाई जहाज उड़ता है, उस हवाई जहाज को तो हम देखते हैं, लेकिन वो असीम आसमान हम हो सकते हैं। हम केवल उस छोटे से हवाई जहाज को देखते हैं जो बेचारा हवा में उड़ता है, नीचे गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, लेकिन उस असीम आसमान को हमको खाली दिखाई देता है। उसी के अंदर सब कुछ है फिर भी हमको खाली दिखाई देता है, तभी हम वो उसके बारे में कभी कुछ मेडिटेट नहीं करते, उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। सो एम्प्टीनेस इज मच मोर वैल्यूबल देन मोस्ट वैल्यूबल थिंग जिसको जो हमको देखते हैं, जो कुछ हमको लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमको जब भी टाइम मिले फालतू हो जाए, फ्री हो जाए। और लाइफ जब मजबूरी में फ्री कर दे, नौकरी छीन ली आपसे, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, फ़कीर बन जा करके आप टेम्प्ररी फ़कीर बन जाइए, एक दिन का फ़कीर हो जाइए, एक महीने के फ़कीर, जैसे इस समय कोरोना ने आधी से ज़्यादा दुनिया को फ़कीर बना रखा है, और लोग खुश भी हैं, पहली बार डिस्कवर कर रहे हैं। बट यूज़ डिस्कवर इट इन द माइंड, बिकॉज मेन एम्प्टीनेस तो अंदर खोजी जाती है, तब बाहर दिखती है।